मैं सुषमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन यूनिवर्सिटी शिक्षा विद्या शाखा से आप सबके समक्ष आज पुनः एक बार अपने नए व्याख्यान के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसका पेपर कोड इस प्रकार से है। आपका जो पेपर कोड है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन 95 आईडीडी है और पेपर नेम साइको सोशल एंड फैमिली रिसोर्स MR। कोर्स आउटकम्स इस प्रकार से दिए गए हैं, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हम जो जिस टॉपिक को आज यहाँ कवर करेंगे वो है ब्लॉक 2 साइको सोशल इशूज, जो कि यूनिट 4 से संबंधित है। यूनिट 4 जो आपका है वो एटीट्यूड ऑफ फैमिली कम्युनिटी, एटीट्यूड ऑफ फैमिली कम्युनिटी पीयर ग्रुप टीचर्स एंड कोवर्स का, इसके बारे में आज हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड को हम हिंदी में अभिवृत्ति, मनोवृत्ति या दृष्टिकोण भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी व्यक्ति को या किसी समस्या को किस प्रकार से देखते हैं और उसका मूल्यांकन हम अपनी दृष्टि से करते हैं। क्योंकि एक ही चीज़ होती है बट अलग अलग व्यक्ति का उसको देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, उसको समझने का अलग अलग तरीके होते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों, और ख़ास तौर से हम यहाँ बौद्धिक अक्षम बच्चों की बात कर रहे हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चे वो होते हैं जो कि जिनके साथ कुछ लिमिटेशंस होती हैं उनकी लाइफ में, उनको जो कोई भी चीज़ सीखना होता है तो उनके लिए उन्हें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में एटीट्यूड ऑफ फैमिली, एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी, एटीट्यूड ऑफ द पीयर ग्रुप, एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स एंड एटीट्यूड ऑफ कोवर्कर्स, उनके होल लाइफ में, उनके पूरे जीवन काल में ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है वो समाज में ही रहता है और समाज में ही उसको अपना सर्वाइवल करना पड़ता है। सर्वाइवल करने के लिए उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे घर परिवार समाज से ही उन्हें पूरी की जा सकती हैं। एटीट्यूड ऑफ द फैमिली, परिवार का दृष्टिकोण, परिवार का दृष्टिकोण एक बौद्धिक अक्षम बच्चे या ये कह सकते हैं कि एक सामान्य बच्चे के जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हमें बहुत समझने की और जानने की आवश्यकता है। कि हम यह कह सकते हैं कि जब भी हमारे परिवार में किसी बच्चे का जन्म होना होता है तो जन्म से पहले हमारे जो आकांक्षाएं होती हैं, जो हमारी उम्मीदें होती हैं उस बच्चे को लेकर ये होती हैं कि हम एक स्वस्थ बच्चे की कल्पना करते हैं कि हमारे घर में एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा और वो हमारे उम्मीदों को पूरा करेगा, इस तरीके से हम सोच के बहुत खुश होते हैं। परंतु ऐसा होता है कि जब हमारे परिवार में एक दिव्यांग बच्चे का जन्म होता है, एक बौद्धिक अक्षम बच्चा जन्म लेता है, तो परिवार की उम्मीदें जो हैं कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं और वो उनको लेकर जो होता है पॉइंट हम देखेंगे कि इमोशंस सच एज डिनायल, गिल्ट, ब्लेम, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड डिस्पेयर स्वीप थ्रू द पेरेंट्स एज डिस्पेयर। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे घर में एक दिव्यांग बच्चे का जन्म होता है तो परिवार कई तरीके की स्थितियों से गुजरता है, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा की थी और यहाँ पर भी एक बार आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि सबसे पहले तो डिनायल की स्थिति आती है कि वो उसे अस्वीकार करते हैं। उस बच्चे को एक्सेप्ट करना फर्स्ट स्टेज में उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। स्वीकार कर भी लेते हैं तो कई बार वो इस गिल्ट में होते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि हमारी कुछ ऐसी कमी या हमारी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे घर में दिव्यांग बच्चे का जन्म हुआ है। फिर भी एक स्थिति आती है ब्लेम की। ब्लेम में क्या होता है कि हम एक दूसरे पर, परिवार के अन्य सदस्यों पर उस बच्चे के दिव्यांग होने का भार डालते हैं या फिर हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि आपकी इस गलती की वजह से हमारा बच्चा ऐसे दिव्यांग हो गया। और फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद की जो स्थिति आती है वो
फैमिली के सदस्य जो होते हैं फ्रस्ट्रेशन, निराशा का शिकार हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं कि हमारे घर में एक दिव्यांग बच्चा आ गया, अब इसका देखभाल कैसे करेंगे, इसका लालन पालन कैसे करेंगे। और उससे जो उनका एटीट्यूड का निर्माण होता है वो उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए बहुत ही असंतोषजनक होता है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने होती है कि हम इस बच्चे का लालन पालन अब कैसे करेंगे। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जब वो इस स्थिति से गुजरते हैं, गुजरने के बाद लॉस ऑफ होप, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं खो चुकी होती हैं उस बच्चे को लेके। एक परफेक्ट चाइल्ड की जो कल्पना थी अब वो एक दिव्यांग बच्चे में परिवर्तित हो चुकी है। तो उसका कारण क्या होता है कि उनको उन्हें दुख होता है, ओवर टाइम द फीलिंग इज हाई टेंट बाय लोनलीनेस, और वो एकांतवास, वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि हम अपनी समस्याओं को किससे कहें, कैसे कहें और कैसे इसको ओवरकम करें। आइसोलेशन में चले जाते हैं एंड एग्जॉशन। पेरेंट्स फ्रिक्वेंटली ओवर प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड एंड फील गिल्टी। और कई बार ऐसी स्थिति भी देखी गई है कैसे में पेरेंट्स जो होते हैं उस दिव्यांग बच्चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ओवर प्रोटेक्टेड का अर्थ यह है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं या वो उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते। इस तरीके से भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फील गिल्टी दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड डिसेबिलिटी, और वो इस गिल्ट में रहते हैं कि वो जो बच्चा दिव्यांग हुआ है वो उनके ही किसी गलती के या उनके बुरे कर्मों का भी, कई बार हम लोगों ने देखा है कि उसे हम अपने बुरे कर्मों का भी एक प्रभाव मानते हैं कि हमारे भाग्य में हमारे जो पिछले जन्म के कर्म थे उसमें कुछ ऐसा हमने किया था जिसकी वजह से आज हमारे पास एक दिव्यांग बच्चा है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि एटीट्यूड ऑफ द फैमिली, फैमिली का एटीट्यूड जो होता है वो काफ़ी प्रभावित होता है। अब उससे उन्हें क्या कहता है कि उस बच्चे का जैसा भी वो जिस एटीट्यूड का वो निर्माण करेंगे उससे उस बच्चे के विकास पर हमें उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम उस बच्चे के लिए पॉजिटिवली सोचने लगते हैं कि चलो ठीक है हमारे पास दिव्यांग बच्चा है हम उसकी देखरेख करेंगे, तो हम उस बच्चे की देखरेख बहुत अच्छे से करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके लिए उस समस्याओं के क्या समाधान है ये ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर उसका प्रभाव जो है हमारे घर परिवार के अन्य सदस्यों में भी देखने को मिलता है कि जब आप पेरेंट्स ही उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो वो उस बच्चे के लिए अच्छा कर भी नहीं पाते हैं। वो उनके लिए निगेटिव सोचते हैं कि अब ये बच्चा तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता, इस बच्चे जैसे सामान्य बच्चे हमारे सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, हमारा बच्चा तो कर नहीं पाएगा। तो वो क्या करते हैं कि उस वे में, उस सही डायरेक्शन में उनके लिए काम करना भी बंद कर देते हैं, और इससे उस बच्चे का विकास जो होता है बहुत प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार का जो एटीट्यूड है एक बच्चे के डेवलपमेंट के स्टार्टिंग पीरियड्स में से लेकर और फुल लाइफ तक बहुत ही मायने रखता है। तो इस एटीट्यूड को हम कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम अभी देखेंगे कि एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका सर्वाइवल होता है, समाज में ही उसको जीना है। और समाज को जीने के लिए हम घर से जब बाहर अपने समुदाय में निकलते हैं, जिस भी समुदाय में रहते हैं, समुदाय मतलब वो होता है कि कुछ हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका एक समूह होता है। उस समूह में हम जब अपने घर से निकल के उस समूह में जाते हैं और देखते हैं कि जो ऐतिहासिक रूप से आप देखें, हिस्टोरिकली एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी वॉज टोटली निगेटिव एंड इंडिफरेंट टूवर्ड्स पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें तो पहले के समय में क्या था कि जो बौद्धिक अक्षम बच्चे थे उनको लेकर समाज का जो दृष्टिकोण था, जो समुदाय का दृष्टिकोण था, वो टोटली निगेटिव था और उनके लिए बिल्कुल अलग था। वो उनको बहुत ही समाज से अलग व्यक्ति मानते थे, वो समाज में उन्हें स्वीकार नहीं करते थे। समुदाय के लोग होते हैं वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन्हें किसी फंक्शंस में किसी भी समुदाय के जो कार्य होते हैं जैसे शादी ब्याह हो गया या कोई भी कार्य हो गया जो समुदाय में होते थे, तो वो उनको क्या करते थे उसमें ना तो उन्हें आमंत्रित करते हैं और ना ही उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से वो व्यक्ति क्या होता है कि जब समुदाय से ही अलग हो जाएगा तो वो फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगता है और उसे लगता है कि हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। और इस तरीके से वो क्या होता है कि अपने लाइफ में जो होता है बहुत ज़्यादा निराशा का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समुदाय का जो दृष्टिकोण है वो बहुत मायने रखता है
देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस एटीट्यूड हैव चेंज फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्सन. धीरे धीरे हमारे समुदाय के जो लोग होते हैं उनके विचारों में ये परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ, उनके दृष्टिकोण बदलने शुरू हुए और वो भी ये रियलाइज करने लगे कि ये जो व्यक्ति हैं बौद्धिक अक्षम व्यक्ति हैं ये भी, इन्हें अगर हम कुछ प्रशिक्षण दे दें तो ये हमारे कम्युनिटी में भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, ये भी हमारे कम्युनिटी के सदस्य हो सकते हैं. फिर जो देखने को मिला कि व्हाट दे नीडेड वाज पैटर्न्स एंड कंडीशंस एट होम एज वेल एज इन स्कूल. अब उसके बाद हम उनकी आवश्यकताओं की जब चर्चा करने लगे, उनकी आवश्यकताओं के बारे में सोचने लगे कि एक दिव्यांग व्यक्ति है या बौद्धिक अक्षम व्यक्ति है तो उसकी क्या क्या आवश्यकताएँ हो सकती हैं, तो हमें घर के साथ साथ स्कूल और पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी को थोड़ा सा चेंज करने की और उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस हुई कि हम किस तरीके से सोचें, किस तरीके से उनके लिए हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं जिससे कि वो समाज में उनका भी एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से हो सके. और सबसे जो मुख्य बात है वो कि हम उस व्यक्ति को समाज से अलग थलग ना करके उन्हें, हम पहले क्या करते थे कि अलग उनके लिए एक स्पेशल स्कूल या स्पेशल होम बना देते थे और उसमें वो अपनी लाइफ टाइम अपना जीवन गुजारते थे, जीवन व्यतीत करते थे. परंतु इसमें क्या हुआ कि मुख्य धारा में लाने की बात कही गई कि वो व्यक्ति भी हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे समुदाय का अंग है, तो उन्हें हमारे समाज से अलग नहीं करना है, उन्हें हमें ऐसी कोशिश करनी है, हमें अपने अभिवृत्ति अपने एटीट्यूड में वो चेंजेस लाने हैं जिससे कि उन्हें भी हम अपने मुख्य धारा में, मुख्य धारा से जोड़ सकें, मेन स्ट्रीम, और वो भी समाज का एक सदस्य अपने आप को महसूस करें और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें. एटीट्यूड ऑफ पब्लिक प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन सोसाइटीज आउटलुक. देखिए एटीट्यूड जो होता है, समाज का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्रूशियल रोल उसका प्ले करता है कि जो हमारा वांछित एक बदलाव हम समाज में चाहते हैं, जब तक समाज और समुदाय के लोग उस व्यक्ति को और उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके लिए अवेयर नहीं होते हैं, तब तक समाज में हम बदलाव लाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होते हैं. एटीट्यूड ऑफ द पीयर ग्रुप, सहकर्मी समूह का दृष्टिकोण. सहकर्मी समूह से तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह है कि जब बच्चा प्री स्कूल में होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं प्री स्कूल से जब अपने इसको विद्यालय जीवन का शुभारंभ करते हैं तो वो वहाँ जब जाते हैं तो वो अपने हमउम्र बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करते हैं जिससे उनके सोशलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट होता है, वो सोशलाइज्ड होना स्टार्ट करते हैं, वो एक दूसरे से बहुत सारी अंतरक्रियाएँ करके चीज़ों को सीखते हैं, सोशल स्किल्स इंक्रीजेस इन द पीयर ग्रुप के साथ जो बच्चा होता है. जैसे देखा जाए जो सामान्य बच्चे होते हैं हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ, उनका मिक्सअप होना उतना आसान नहीं होता है क्योंकि हमारे दिव्यांग बच्चों के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो खुद से किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते या फिर वो अन्य बच्चों के साथ जिनका विकास सामान्य गति से हो रहा है और इनमें कुछ बाधाएँ होती हैं जिसकी वजह से ये निम्न गति से इनका विकास होता है, तो उन दोनों में एक टकराव वहाँ पर देखा जाता है कि वो आपस में जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, वो बच्चे भी वहाँ पर सेग्रीगेट होना स्टार्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर पीयर ग्रुप को हमें इस तरीके से होना चाहिए या इस तरीके से उन्हें ट्रेंड करना चाहिए कि पीयर ग्रुप के बच्चे जो हैं हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ एक साथ मिल के बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, एक दूसरे के साथ खेलें, एक दूसरे के साथ अन्य क्रियाएं करें विद्यालय गतिविधियों में, तो जिससे उस बच्चे का भी सामाजिक विकास, जो दिव्यांग बच्चे हैं उसका सामाजिक विकास की जो प्रथम सीढ़ी है उसमें उसको एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग का निर्माण होगा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा कि हमें कैसे समाज के लोगों के साथ घुलना मिलना है. तो वो एटीट्यूड जो है हम छोटे स्तर से ही बच्चों में हमें डालने का प्रयास करना चाहिए. तो इस तरह के सब देखते हैं कि जो प्री स्कूल वाली अवस्था होती है वो एक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाएगा और अपने अन्य बच्चों के साथ, अन्य सहपाठियों के साथ वो इंटरेक्शन करेगा और चीज़ों को सीखेगा तो धीरे धीरे उसके लाइफ में विकास की जो उसकी ये आगे की यात्रा है वो बहुत ही ईजिली पूरी हो जाएगी. हम देखते हैं कि जब बच्चा प्री स्कूल में जाता है और वहाँ के अन्य बच्चे जो रहते हैं
उन बच्चों को के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं। क्लासरूम में बच्चा जो है जब इंट्रैक्शन करता है तो देखता है कि पीयर है लिटिल लैक ऑफ नॉलेज कुड क्रिएट फियर। तो जो वो बच्चा होता है उनके कुछ अलग फीचर्स को देख के उसके माइंड में जो होता है एक भय या एक पूर्वाग्रह से वो ग्रसित हो जाता है। और कई बार बच्चे जो होते हैं दिव्यांग बच्चों को हंसी का पात्र भी कक्षाओं में बनाते हैं। तो इस तरीके की जो अभिवृत्ति है, हमें इससे निजात पाने के लिए हमें बच्चों में इस तरीके की भावना का निर्माण करना होगा कि जिससे वो बच्चे उन बच्चों को एक्सेप्ट करें, उनके उनके उनको हंसी का पात्र ना समझें और उन्हें अपनी कक्षाओं में भी स्थान दें। एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये एटीट्यूड ऑफ द टीचर। क्योंकि एक टीचर का दृष्टिकोण अगर उस बच्चे के लिए सकारात्मक होता है तो वो उनकी उन गुणों को भी बाहर ले आता है जिससे कि बच्चा समाज में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है और अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो सकता है। देखते हैं, द माइंड स्टीमिंग एजुकेशन फेस चैलेंजेस सच एज निगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर्स। मुख्य धारा में जब हम लाने की बात करते हैं से बच्चों को, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि टीचर्स जो हमारे हैं वो एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स में हम देखते हैं कि जो शिक्षक का दृष्टिकोण है वो किस तरीके से एक बच्चे के विकास में और बच्चे के एजुकेशन में कैसे प्रभाव डालता है। जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस को हम फेस करते हैं। हम देखते हैं हमारे समाज में कि हमारा एक निगेटिव एटीट्यूड आपके टीचर्स का इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनएडिक्वेट एड्स, हमारे पास जो एक सहायक सामग्री कहते हैं उन बच्चों को सिखाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो पर्याप्त रूप में हमें उपलब्ध नहीं होता। जो सर्विसेज जो सेवाएँ वो हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करती। जैसे पेरेंट्स हैं वो भी उनका उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और वो कई बार सोचता है कि वो सहयोगात्मक नहीं होता है। तो ऐसे में भी एक शिक्षक के का जो एटीट्यूड होता है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। लैक ऑफ स्पेशलिस्ट टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन जो इस तरीके से ट्रेंड नहीं है, उन्हें स्पेशल एजुकेशन की उनके पास ट्रेनिंग नहीं है और उनके पास वो स्किल्स नहीं है कि वो उस बच्चे को कैसे क्लासरूम में अन्य बच्चों के साथ क्या ऐसा करें जिससे कि उस बच्चे को भी वो समावेशन कर सके, उन बच्चों को भी उन सामान्य बच्चों के साथ वो पढ़ा सके। तो देखा जाता है कि उसको मैनेज करने में बहुत सारी एजुकेशनल मटेरियल्स की और हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है जो कि वहाँ नहीं होता है, अनफ्रेंडली होता है, जिससे कि उस बच्चे की लर्निंग काफ़ी प्रभावित होती है। जो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस होते हैं वो उस सोशल इंटरेक्शन उनका अच्छा नहीं होने, तो रेगुलर क्लास टीचिंग जो होती है वो उसमें उन बच्चों का समावेशन सही तरीके से नहीं हो पाता क्योंकि टीचर्स कई बार ऐसे उनका एक निगेटिव एटीट्यूड होता है कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, इन बच्चों सिखाना बहुत कठिन कार्य है और वो इस तरह की चीज़ों में वो आगे बढ़ के नहीं आते हैं। तो उस ये चीज़ें हैं जो हैं उस बच्चे के लिए बहुत ही दुखद कह सकते हैं हो जाती है, उस बच्चे में और ज़्यादा निगेटिविटी आने लगती है। तो इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए हमें टीचर्स को जो होता है कि टीचर्स को इस तरीके से ट्रेंड करना चाहिए कि वो उनकी समस्याओं को समझ सके, उनकी समस्याओं को समझे और उनको कैसे वो हैंडल कर सकता है इसके लिए जो स्किल्स चाहिए उसको सीखने का प्रयास करें और अपने क्लासरूम में उसको अप्लाई करें जिससे कि एक विशेष बच्चा है अपने आप को सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करे और वो क्लास में आने से उसे डर न लगे। तो इस तरीके से हमारे जो टीचर्स होते हैं उनको उनके एटीट्यूड का इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमारे टीचर्स को इस बात की आवश्यकता है कि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, वो इस तरीके से अपने आप को तैयार करें कि क्लासरूम में बच्चों के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाएं, एक पॉजिटिव सोच रखें, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें और वो ये रियलाइज़ करें कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छा है, सभी कुछ अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसे टीचर्स हैं जो इनके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं और उन बच्चों में क्या अच्छा है, कौन सी स्किल अच्छी है, इसी उस पर काम करके उन्हें बहुत ही उच्च शिखर तक ले जाने में उनके लिए मददगार साबित होते हैं और सफलता के शिखर पर हमारे दिव्यांग बच्चे भी बहुत ऊपर तक जाने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि एक टीचर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरीके से एक व्यक्ति के विकास में एक
मील का पत्थर कह सकते हैं, साबित होता है कि अगर हम अपने सिर्फ अभिवृत्ति को बदल दें तो एक बच्चा जो कि निगेटिव जा सकता था वो पॉजिटिवली अपने लाइफ में आगे बढ़ जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ रिसर्चेज हैं जिसमें ये आइडेंटिफाई हुआ है कि क्लासरूम में बच्चों को एक्सेप्ट न करने के पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि हैंडीकैप्ड जो टीचर स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हमारी स्पेशल डिमांड्स होती है। और इन डिमांड ऑटमैन 1981 रिव्यूइंग द वर्क ऑफ एलन, उन्होंने एलन के 1970 वर्क में जो एलन ने वर्क किया था उसको ऑटमैन ने 1981 में रिव्यू किया और उसमें कुछ पॉइंट्स पाए, कुछ फैक्टर्स पाए गए कि क्यों एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को, एक दिव्यांग स्टूडेंट को क्लासरूम में एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसके पीछे कुछ रीज़न थे जो इस तरीके से, उनके अंदर एक भय था डिमांड्स दैट मे बी प्रेस्ड ऑन देम, कि जो क्लासरूम में जो दिव्यांग बच्चों की जो आवश्यकताएं होंगी, जो मांगे होंगी, वो उसको पूरा करने में सक्षम नहीं थे। और जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस थी वो दिव्यांग बच्चों के लिए वो बहुत ही लोअर थी। उन्हें पहले से ही उनके एटीट्यूड में ये था कि ये बच्चे बहुत कम क्षमता है और उनके प्रति उनका दृष्टिकोण ये था कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, फिर भी इनके हमारे रिजल्ट उस प्रकार से नहीं आएंगे। तो उस लोअर एक्सपेक्टेशन का जो एटीट्यूड था उसकी वजह से भी क्लासरूम में उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। तीसरा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से तात्पर्य है कि जो हम क्लासरूम में सामान्य कक्षाओं में देखते हैं कि हम एक करिकुलम होता है जो सभी बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर उस क्लासरूम में हमारा दिव्यांग बच्चा है तो उसकी अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होंगी जिनको पूरा करना करने के लिए आपको अलग से उस बच्चे के लिए प्लानिंग, करिकुलम की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक शिक्षक के लिए चैलेंज था जिससे उनके एटीट्यूड में उस प्रभाव को देखा जाता था। और कुछ प्रैक्टिसेस में हमने ये भी पाया कि अगर टीचर्स के एटीट्यूड में चेंजेस हुआ, उनके पास वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई, तो उन्होंने उस टीचर स्टूडेंट को जो है काफ़ी अच्छा ट्रेंड किया और उन्हें एक बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाने में उनकी हेल्प की। एटीट्यूड ऑफ कोवर्कर्स, हमारे सहकर्मी। सहकर्मी से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब बच्चा अपने विद्यालय जीवन से बाहर निकलता है और वो समाज में किसी व्यवसाय के लिए जाता है तो व्यवसाय करने में उसके साथ क्या समस्याएं आती हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो ये एटीट्यूड है, हमारा दृष्टिकोण है, हमारे सहकर्मियों का हमारे प्रति जो दृष्टिकोण है वो हमारे काम में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्योंकि वहाँ पर जो सहकर्मी होते हैं वो उन्होंने भी समाज में जो है पहले से अगर ऐसे लोगों को नहीं देखा है, उनकी समस्याओं को नहीं कभी ऑब्जर्व किया है, तो वो भी क्या सोचते हैं कि ये बहुत कम क्षमता वाले हैं, इनको बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है या हमें सहयोग देना पड़ता है। तो वो जो थॉट्स होते हैं उस व्यक्ति के साथ कार्य करने वाले लोगों पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि अगर कार्यस्थल पर हमारे जो सहयोगी होते हैं अगर हम हमें सहयोग करते हैं तो हम सब मिलके एक बहुत अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट कर होता है और हम अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाते हैं। बट दिव्यांग बच्चों के साथ ही समस्या आती है कि उन्हें बहुत ही निगेटिवली अगर लिया जाता है तो वहाँ पर उनकी कार्य क्षमता और ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे सहकर्मियों का जो एटीट्यूड है हमारे प्रति, तो उसमें हम वो हमारे प्रति उनका एटीट्यूड ये होता है कि जो PWD व्यक्ति, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो हमारे दिव्यांग सहकर्मी हैं, उनके पास लैकिंग नॉलेज, उनके पास ज्ञान की कमी है, हैविंग पुअर क्वालिफिकेशन, उनका क्वालिफिकेशन जो है वो पूरा नहीं है, तो वो उनको इस तरीके से व्यू करते हैं, तो वो उनको इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारे समान नहीं है। इस तरह से हमारे सहकर्मी जो हैं वो ये महसूस करने लगते हैं कि इनको हमारे सुपरविज़न की ज़्यादा आवश्यकता होगी, स्पेशल टास्क इनके साथ जो हैं वो सुटेबल दिए। हमारे सहकर्मियों का जो दृष्टिकोण है उसमें हम पाते हैं कि वो उनको लगता है कि इनके पास, हमारे जो दिव्यांग सहकर्मी उनके पास ज्ञान की कमी है, उनके पास पुअर क्वालिफिकेशन है, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। और इन फाइंडिंग्स के आधार पर हम देखते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं उनको अपने एटीट्यूड्स को उस दिव्यांग व्यक्ति के प्रति चेंज करने की, बदलने के लिए हमें उन्हें उस तरीके से अवेयर करना पड़ेगा कि हमारे दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं उनमें एक दिव्य शक्ति होती है, उनके पास कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसके बल पे वो आगे
चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये देखें कि इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे परिवार, हमारे समुदाय, हमारे पीयर ग्रुप्स, हमारे कोवर्कर्स, हमारे टीचर, इन सभी का जो अभिवृत्ति है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। अगर वो हमारे लिए सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे लिए सकारात्मक कर पाएंगे, अगर वो हमारे लिए नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे बचने के लिए आवश्यकता यह है कि हमें समाज में एक अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से इन दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझें, इनके लिए कार्य करें और इनके जीवन के को भी सुचारू रूप से चलाने में हम इनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कि उसमें आवश्यकता बस इस बात की है कि हमें अपने एटीट्यूड में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमारा एटीट्यूड हमारे हर कार्य के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। इस भूमिका को हमें समझना होगा और इस पर कार्य करना होगा। धन्यवाद।